इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। रिश्ते बनाओ तो दिल से बनाओ, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग से तो षड्यंत्र किए जाते हैं। भगवान कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर आपका समय खराब है तो परेशान मत होइए, आपका समय जरूर बदलेगा। एक बात याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पे समझाकर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। भले ही तारीफ करने वाले आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जब प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन जो दर्द बांटने लगे वही सच्चा रिश्ता होता है। हमें हर परेशानी से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे इंसान बन जाओ, लेकिन उसी इंसान पे दोबारा भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं, उस इंसान के साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जीवन की सबसे बड़ी गलती ये होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। अपने ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, गुरूर नहीं। अच्छे लोगों की एक विशेषता होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। कभी कभी जीवन के बुरे हादसे भी हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। झुको केवल उतना ही जितना कि सही हो, क्योंकि बेवजह झुकना भी दूसरों के वहम और अहम को बढ़ावा देता है। जो आज आप करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा, यही नियति का नियम है। कठिन समय में भी जब आपके मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, बस वही परमेश्वर की आवाज होती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा, वो व्यक्ति आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। सही समय आने पे भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो आपके लिए बने होते हैं। कभी कभी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप उससे बेहतर के लायक हैं। आपके विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपके व्यवहार में हो। विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो अपने लक्ष्य के लिए लड़ता नहीं। किसी अवसर के इंतजार में मत बैठो, आज का दिन जो बड़ी किस्मत से आपको मिला है यही आपका अवसर है, इसे जाया मत करो। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी पाने के लिए हदें पार करनी पड़ती हैं। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, आपकी जिंदगी है, इसलिए हर लम्हे को खुल के जियो, क्योंकि लौट के यादें आती हैं, वक्त नहीं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों में जिंदगी होना जरूरी है। आपका जीतना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं।
दो चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक तो अपना दुख और दूसरा दूसरों का सुख। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो आपके चाहने वालों के चेहरे से एक पल में नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पे उस पन्ने को फाड़ देना, लेकिन उस पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, अंधकार मिटा ही देती है। इस संसार में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए गलतियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। जिंदगी में कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। आपको कब कहां किससे मिलना है, ये ऊपर वाला तय करता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको भी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए, इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, बल्कि जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह मनुष्य अपने कर्म से नहीं, अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटके चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, पर आपकी पहचान छीन लेती है। इसे वही समझता है जिसने किसी अपने को खोया है। किसी से भी इतनी उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको इतनी अहमियत नहीं देते जितनी कि आप सोच लेते हो। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पे भरोसा करना। मन का दुख शरीर के दुख से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। अगर आपने किसी कार्य को करने के बारे में सोचा है तो उसे अपने मन में रख कर ही पूरा करें, नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपके कार्य में अड़चने पैदा कर सकता है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे कि दिल, भरोसा, रिश्ते और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ चीजें कांटों से भी ज्यादा चुभ जाती हैं। कांटों से मिला घाव तो भर जाता है, लेकिन बातों से मिली चोट कभी नहीं भरती। भगवान कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता भी साफ करने के लिए आते हैं। समय बदल जाए, घर बदल जाए, इसका कोई दुख नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, यदि इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान कहलाता है। कुछ भी करना जिंदगी में, लेकिन कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते पे चलते लोग भी पूछ लिया करते हैं। समझे बिना किसी से मोहब्बत भी मत करो, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है दिल में नहीं। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, खुद को कमजोर मत समझो। अपनी शक्ति को पहचानो और जीवन में आगे बढ़ो।